अभिषेक, सबसे पहले गुड टू सी यू। ये थैंक जो यू। दिन है, 2-3 दिन कैसे रहे आपके? किस तरह से रिसेप्शन काफ़ी अच्छा मिला आपको? मैं जी देख रहा था, लोग लोग की भीड़ थी, लोग डिसअपॉइंट थे, लोग खुश थे आपके लिए। काफ़ी लोग, और मुझे तो मेरे टॉप 2 तो फिक्स थे और वही जी टॉप 2 हुए और उसमें से ही एक ने ट्रॉफी जीती। आप अगर बताना चाहोगे आपकी जर्नी के बारे में, एंड पहले तो ये 3 दिन कैसे बीते आपके, उस पर जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा बिजी और नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फैमिली घर पे हैं, फ्रेंड्स घर पे हैं, और जिन जिनों जिन्होंने भी सपोर्ट किया, सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे DMs आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स मैं देख रहा हूँ, मेंशंस आ रहे हैं। अभिषेक के एवेंजर्स जो हैं मेरे, मुझे नहीं पता था मेरा मेरा परिवार जो है, मैं बोलता भी था एक परिवार, एक परिवार, वो इतना बड़ा हो गया है। तो सबसे बात करना, सबको बताना कैसा कैसे चल रहा है, वो चीज़ उन चीज़ों में ही मैं व्यस्त था। और सबसे मैंने बात करी जितना भी हो सका, और अंकित भाई से मिला, तेजू मतलब प्रियंका से मिला, सत्ती जी से मिला, अपनी टीम से मिला, सबसे मिला, और एक गेट टुगेदर रखा और हमने भांगड़ा किया। आपने देखा होगा ढोल राइट टक 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 भांगड़ा किया। तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहीं जीता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही जीता हूँ। क्योंकि जब मैं बाहर आया, सबने ऐसे टाइट हग करके गया कि तू मेरा शेर है, तू पोता है मेरा, तू जीत गया, तू ही जीता है, डिजर्विंग डिजर्विंग, जो भी जिसने भी बोला। तो क्या होता है कि आप ट्रॉफी से ज़्यादा जब लोगों का दिल जीत लेते हो ना, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो सेटिस्फेक्शन मैं लेके चल रहा हूँ आगे। जर्नी की शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो जर्नी की शुरुआत में आपने कई बार सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया था। मुझे याद है हम इंटरव्यू भी आपके किए थे, तो आपने बोला था कि उनके जैसी जर्नी चाहिए। तो पहले ही हफ्ते में बिग बॉस ने कहा कि पहले के जो खिलाड़ी उनका नाम मत लीजिए। बट बीच बीच में मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उनकी जो गेम थी कि वन मैन स्टैंडिंग विथ फुल टीम, वैसी गेम आपकी लग रही थी। कई हद तक वो 1 2 3 भी जो था उन्होंने किया, तो वो आपने भी हाँ किया, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे उन उनकी जर्नी और आपकी जर्नी को आप जब इक्वलाइज करते हैं तो कितनी खुशी होती है। और वो मुझे एक और चीज़ याद है, तो आपने बोला था कि मैं उनके सॉन्ग के पीछे खड़ा था, मुंडा जी कैसा दिखता है, और अब जब कंपेयर कर रहे थे तो कितनी जी खुशी होती है अभिषेक आपको। सर, मैंने बिग बॉस 13 पूरा नहीं देखा था, वही इंस्टाग्राम पे कि भाई फाड़ बंदा है ना, ये उनका वो डायलॉग था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तुम सबके सब भाड़ में जाओ वो। और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जो मूवी है, उसमें मैं क्राउड में मैं काम कर रहा था। तो मैंने 300 से 400 पंजाबी सॉन्ग्स में क्राउड में काम किया है। मैंने 4 5 मूवीज़ में, मैं उड़ता पंजाब में क्राउड में था, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में क्राउड में था। तो दैंगड़ दैंगड़ गाना है ना, राती हाँ दैंगड़ दैंगड़, तो उसमें मैं सिद्धार्थ सर के पीछे खड़ा हूँ। वरुण सर भी हैं, आलिया मैम भी हैं, तो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। तो मैं हल्का सा दिख रहा हूँ, अगर आप पॉज कर करके देखोगे तो मैं दिखूंगा आपको, उनके साथ मेरी फोटो भी है। तो वो मोमेंट था, और आज मुझे उनके साथ कंपेयर भी किया जा रहा है, तो मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। जबकि मुझे उनकी गेम नहीं पता थी, मैं ऐसा ही हूँ जैसे मैं बोलता आया हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और आपने मेरे फादर को भी देखा होगा, वो भी ऐसे ही हैं, इमोशनल, गुस्सा जल्दी आना, अच्छे दिल के, साफ दिल के, तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मैंने उनकी कोई कुछ कॉपी नहीं किया, जैसा मैं था मैंने वैसा ही खेला। और एक टाइम पे एक्चुअल में मैं फील कर रहा था कि मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे खिलाफ 9 लोग 8 लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मेरे को तो ऐसा था कि तुम लोग जितना भी आओगे ना, मैं ऐसा तुम्हारे साथ मतलब जो मैं मतलब करूंगा ना, तुम लोग वो करोगे कि भाई ये क्या बंदा है। तो वही चल रहा था, बाहर आके मेरे को पता चला कि मुझे उनके साथ कंपेयर किया जा रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एक लेजेंड के साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट मैंने उनको कॉपी नहीं किया, मे बी हमारी कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, तो लोगों ने उस चीज़ को कंपेयर कर लिया होगा। अभिषेक, जब थप्पड़ वाला जो सीन था, जी काफ़ी लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आपकी आपकी फिर से घर पे आए, आप फिर से घर पे आओ, जी फिर से घर पे आओ, ऐसी मुहार लगाई थी। आप अगर कुछ बताना चाहोगे उसके बाद आपकी गेम कितनी चेंज हुई, और अंकिता जी को कितना थैंक्स करते हो उस चीज़ को लेके। जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंकिता जी, मुनावर, औरा, आयशा, मेकर्स का, बिग बॉस का, सलमान सर का, सबका थैंक यू कि मुझे फिर से वापस बुलाया।
और मैं पूरी रात जब मैं निकला था, जय श्री राम 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 बोल रहा था कि बस एक चमत्कार कर दो भगवान, मुझे वापस घर में डाल दो। तो मैं वापस आया और उसके बाद मेरे को हल्का सा फील हो गया था कि तू अभिषेक कुछ तो कर रहा है, कि लोगों को तू पसंद तो आ रहा है इसलिए तुझे दोबारा से लाया गया। यस बस वही खुशी थी उस चीज़ की। अभिषेक, आपने बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया ईशा और आपका ऑफिशियल बताने के लिए, क्योंकि कई बार आपने उस चीज़ को डिनाई किया। बिग बॉस पे आपने तुरंत कहा कि हम लोग रिलेशन में थे और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर समर्थ आए, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो यही प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया आपने? सर मैंने चूज नहीं किया। जब मैंने साइन किया था मुझे नहीं पता था ईशा आ रही है, बट जाने से पहले पता चल गया था कि ईशा भी आ रही है। मैंने कहा ओ शिट, अब क्या होगा। तो इन्होंने जब इंटरव्यू लिया था तो इंटरव्यू से पहले इनको मेरे बारे में पता था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि ब्रेकअप क्यों हुआ, तो मैं डिनाई ही नहीं कर सकता था क्योंकि कलर्स की टीम को पता था कि मैं और ईशा रिलेशनशिप में थे उड़ारियाँ के टाइम पे। तो अब जब पता ही चल गया था, उस टाइम तक मैंने इंटरव्यूज दे दिए थे या इंटरव्यूज चल रहे थे और मैं बताना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि ईशा मे बी अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे ना बताए, तो मैं क्यों बताऊं, मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा ऐसा। पर अंदर जाके उसने खुद बता दिया और पहले दिन ही वो चीज़ें बाहर आ गई। तो फिर मैं कैसे डिनाई करता, ऑब्वियसली मुझे भी बताना था। बट हमने हमेशा यही सोचा था कि हम पब्लिक नहीं करेंगे इस चीज को, और जब ब्रेकअप हो गया तो उस चीज को भी क्यों पब्लिक करना। तो बिग बॉस के घर में हो गया, बट ठीक है, अब जो भी हुआ अच्छा हुआ जैसा भी हुआ। क्या आपको एज अ पर्सन, क्योंकि मुझे एज अ व्यूअर उनका लगा कि जब समर्थ आए, चिंटू जब आने से पहले फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, बट उनके आने के बाद सिर्फ नोक झोंक हो रही थी, ऐसा कुछ आपको लग रहा था एज अ ईशा और पर्सन? मेरी यस जी सर, ऑब्वियसली जो हम बॉन्ड शेयर कर रहे थे समझ से पहले, वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप नहीं था, बट हम एक क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे, घूमते थे, गेम में थे। समर्थ आने के बाद ऑब्वियसली वो, मैं उसका एक्स हूँ तो मेरे साथ वो क्यों बात करेगी, समर्थ के साथ बात करेगी। तो वो थोड़ा एक डिस्टेंस हो गया था, बट ऑर्गेनिकली हमारी तीनों की भी एक टाइम पे दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी, और फिर वो एक इंसिडेंट के बाद वो टूट भी गई। बट ठीक है, जैसा भी था। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं नहीं जीता चलेगा, बट मैं मुनावर से मुनावर जीता, वो दोस्ती और वो भाईचारा काफी लोग ने देखा। आप अगर कुछ बताना चाहोगे, जी मुनावर से काफी अच्छी दोस्ती हुई, उन्होंने कहा कि मैं अगर दोस्ती करता हूँ तो मैं इनसे करता हूँ, मैं प्यार भी इनसे करता हूँ, और उनकी सिस्टर आके भी आपको बोला था, आपको जी बोले थे कि आप जी बेस्ट फ्रेंड हो। जी ये दोस्ती के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से ये सर दोस्ती के मैंने बारे मैंने कल रील देखी, मुझे पता नहीं था। मैं रील में बोल रहा हूँ कि मेरे मम्मा आ रहे हैं और मैं मम्मा को बोल रहा हूँ मम्मा इसको प्यार करो, में? और वो मुझे चीज़ पता नहीं थी कि मैंने चीज़ बोली भी है। मतलब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने वहाँ पे बैठ के ये चीज़ बोली है मम्मा को कि मम्मा मुझे नहीं इसको प्यार करो, कि क्योंकि उसको प्यार चाहिए, उसको चाहिए वो चीज़। तो वो मेरा दिल से है उसके साथ, मैं उसके साथ कनेक्ट था बहुत। और आई थिंक अगर आप मुझे जानते हो तो मैं अंकित भाई को, जो अंकित गुप्ता है, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो अगर मैं कोई बॉन्ड बनाता हूँ दोस्ती का, तो मैं बहुत दिल से करने लग जाता हूँ, और मैं ओवर, ऐसे मैं हर चीज़ ओवर करता हूँ, ओवर एक्सप्रेसिव हूँ, तो मैं ओवर प्यार भी करता हूँ। तो वही था कि मुनावर के लिए ओवर प्यार था और मैं बायस्ड था उसके लिए, जैसे कि मैं बिग उनके बॉस बायस जैसे बिग थे बॉस बायस थे, तो मैं उसके लिए अगर बायस था। कुछ बताना चाहो खानजादी के बारे में, खानजादी से मुलाकात हुई बाहर आके, क्या नहीं आपने सर कांटेक्ट अभी करने की कोशिश की? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैं आपके सवालों से घिरा हुआ हूँ। आपके सवाल खत्म हो जाएंगे तो मैं अपने सवाल लेके जाऊंगा। किस मतलब तरह के सवाल लेके जाओगे, सवाल लेके, मैंने ऐसे ही बोल दिया अब आप सवाल या उसको। फिर रिश्ता, क्या लेके नहीं नहीं जाओगे? रिश्ता नहीं, मैं दोस्ती वाला रिश्ता, रिश्ता दोस्ती तो है। है ही, ऑब्वियसली दोस्ती है हमारी, पर अभी हमने कांटेक्ट नहीं किया एक दूसरे को, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं भी बिजी होऊंगा, और उसको वो भी अभी कामों में व्यस्त है। जैसे मेरे को पता चला कि वो दिल्ली शूट कर रही थी कोई, उसका कोई सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है। आपका भी सॉन्ग आया एवोकाडो, हाँ मेरा एवोकाडो उसको सॉन्ग उसको आया। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जी, आपने देखा वो रिस्पॉन्स? मैंने रिस्पॉन्स अभी उतना नहीं देख पाया हूँ क्योंकि इतना नहीं मैंने चेक किया, बट वो मैंने जाने से पहले शूट किया था, और वो हमारी टीम का ही गाना है, स्नो रैकेट्स पे है, और हमारी टीम का ही लेबल चैनल है। तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा जाके एवोकाडो स्नो रैकेट्स पे जाके देखिए, और बहुत सारा प्यार दिखाओ, और बहुत अच्छी वीडियो बनी है। मैं हैंडसम बहुत लग रहा हूँ, मेरे एब्स भी बहुत दिख रहे हैं बहुत उसमें। तो प्लीज जाके देखो और बहुत सारा प्यार दिखाना आपने अंकिता जी अपना। से
कनेक्शन कैसा था आपने, क्योंकि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्होंने कई बार उन्होंने कनेक्शन बनाया बट आपका कनेक्शन वैसा नहीं हो रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला कि मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्यों ऐसा लगता है कनेक्शन? क्योंकि उनके उनके घर में कई बार आपको सुशांत से एक बार कंपेयर किया था, जो मैंने भी सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे, आपको क्यों उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्यों ऐसा? सर हम दोनों का ना नेचर मुझे सेम लग रहा था कि वो भी जल्दी हाइपर हो जाती हैं, छोटी सी चीज पे गुस्सा कर जाती हैं, और मैं भी सेम कर रहा था, हो रही मतलब मैं भी हूँ ऐसा, वैसी नेचर है मेरा। तो जब भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते थे वो लड़ाई हो जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्यों ही बात करनी अगर लड़ाई ही होनी है। तो मैंने उनको बोला कि हमारा रिश्ता नहीं बन पाएगा, आप अपनी स्पेस में रहिए, मैं अपनी स्पेस में रहता हूँ। बट वो अच्छी इंसान है, दिल की अच्छी है, इमोशनल है वो भी, और वो भी थोड़ी पोजेसिव है, इनसिक्योर वो भी हैं जैसे मैं भी पोजेसिव हूँ, इनसिक्योर हूँ अपने रिलेशनशिप्स को लेके। तो मैं उनको समझ पाता हूँ काफ़ी हद तक, बट वो एक अच्छी इंसान है, विक्की भाई भी बहुत अच्छे हैं, और ठीक है अब सब गिले शिकवे खट गए हैं, फिनाले हो गया है, पार्टी हो गई है, मतलब उनके घर पे पार्टी हो गई, हमारी अलग अलग पार्टीज हो गई हैं। आप नहीं थे उस घर पे पार्टी जब हो रही थी, आप उसके बाद उन्होंने जो पार्टी की आई थिंक वो उन्होंने अपने फैमिली के साथ ही की है। तो और उस टाइम मैं भी थोड़ा अपनी फैमिली के साथ व्यस्त था, तो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सभी व्यस्त हैं इस टाइम। यस, मुनावर की अगर मैं बात करूँ, आयशा के आने के बाद मुनावर की जो जो कहते हैं कि करियर पे एक रहते हैं कि इतने सारे अफेयर्स, बाहर एक रिश्ता, बच्चा, उनको इस चीज से काफी इफेक्ट किया, आपको लगता है ऐसा इफेक्ट किया? क्योंकि खास मित्र है, अपने दोस्त कभी संघर्ष में रहते हैं तो दोस्त को भी तकलीफ होती है। आप कुछ बताना चाहोगे आयशा के आने के बाद कितना बदलाव है उनके गेम में? जी ऑब्वियसली वो हर्ट था, वो भी वो उसको भी बुरा लग रहा था, बट आयशा भी अपनी जगह गलत नहीं थी, क्योंकि आयशा भी वो चीज प्रूव करने आई थी। पर हम उस चीज को लेके अगर बैठे रहे तो वो पूरी चीज इधर से उधर हो जाती उस टाइम के लिए। तो मैं उसको यही बोलता था कि जो चीज होगी उसके लिए सॉरी बोल, और उसका उसको दोबारा से मत दोहराना, और अब तू वापस आ जा, इतना सुस्त मत बैठ। तो उसको इफेक्ट करी वो चीज, और हम दोनों ने जब हम टॉप टू में थे और हम दोनों घर में थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे को यही बोला था कि एटलीस्ट हम एक चीज सीख के जा रहे हैं, जो हमारी गलतियां यहाँ पे दिखाई गई हैं वो गलतियां हमें दोबारा से नहीं करनी है। एक सेंसिबल, एक अच्छा इंसान, अच्छे तो हैं बट कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ गलत हो जाती है। वो गलत ना हो, उस चीज़ को हमने सुधारने की बहुत ट्राई की, अंदर रह के वो चीज़ सीखी है, और वो भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूँगा, बस यही है। टॉप थ्री का जो हेल्दी कॉम्पिटिशन था, टॉप थ्री का जो हेल्दी कॉम्पिटिशन था अंकिता आपके और मुनावर के बीच में, बट मनारा को वो लिस्ट में देख के काफी लोग ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, अंकिता जी भी काफी डिसअपॉइंट हुई इस चीज को लेके। आप बताना चाहोगे जो टॉप थ्री का जो बड़ा कॉम्पिटिशन था उसमें मनारा को देख के आप कितना सरप्राइज हुए? सर मुझे भी यही लगा था कि अंकिता जी टॉप थ्री में होंगी पहले तक, पर जब से वो इनसिक्योर हो गई थी तब से मैं देख पा रहा था कि मनारा का ग्राफ ऐसे जा रहा था, क्योंकि अंकिता जी एक इतना बड़ा नाम है, उनको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं थी, और विक्की भाई भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो इनसिक्योर हो, पर वो इनसिक्योरिटी पोजेसिवनेस की वजह से लोगों में मनारा का नाम चढ़ा, और मनारा टॉप थ्री में, जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो टॉप थ्री में ना होती और अंकिता जी भी होती तो मैं ना होता, तो ऑब्वियसली मैं खुश था, और मैं चाहता भी था कि मनारा रहे, क्योंकि मनारा हमारे क्लोज थी तो हम तीनों थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था। अभिषेक एक आखिरी सवाल मेरा, काफी चर्चा हो रही है आपके खतरों के खिलाड़ी की रोहित सर के साथ काम करने में, रोहित सर ने आपको सपोर्ट मेरी स्माइल क्या कह रही है? हाँ बोल रही, वो तो उस दिन भी हाँ बोल रही थी, देखो मैं अच्छा एक्टर हूँ उस दिन भी हाँ बोल रही थी, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑल द बेस्ट कह रहे हो उसके लिए थैंक यू, बट अभी कुछ भी डिसाइड नहीं, बट अगर आता है वो ऑफर आपको आ चुका है, आता है तो क्या होगा अभिषेक? क्योंकि हमने कई बार देखा आप काफी चीजों से थोड़ा नर्वस हो जाते हो, तो वो गेम में एक चैलेंज। मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ और क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत उसमें रहता है, तो पता नहीं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, अब देखते हैं क्या कैसे, जो भी होगा आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।